बात ठीक है, जिसकी फोटो ला के ये वोट मांगे, असल में कसूर हमारा क्या कसूर है बताओ? कोई कोई बालक होया करे कुंबे का नाम सात पीढ़ी तक चमका दिया करे, वो इस कुंबे में ये बच्चा होया था, इसने हमारे कुंबे में जो होया वो नरेंद्र मोदी होया, उसने हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में चमका दिया, ये तो भाई हमारे भाग है ना। इस सारे कुंबे में राहुल गांधी हो रहा है, हमारा क्या कसूर है? अरे तुम रोंदे फिरो और तुम भाई ने भाई से लड़ा के हरियाणा के अंदर क्या किया इन्होंने? किसे छुप रही है बात? इन्हें भाई को भाई से लड़ा के पूरा हरियाणा जलवा दिया। पता नहीं ये क्यों ऐसी घटिया राजनीति करते हैं, और राज में आए पीछे लूटने के अलावा क्या काम है? किसाना की जमीन लेके बिल्डर को दे दी, पैसा मोटा खा लिया, सीएलयू का धंधा कर लिया, अपने दामाद ने राजी कर दे रहे रॉबर्ट वाड्रा ने, कितनी जमीन उसके नाम आपके सोनीपत सारी केएमपी के ऊपर कितनी उसकी कंपनियों को जमीन दे दी, आज तक इंक्वायरी चल रही है, मानेसर की अंदर जाने का इनका रास्ता बन रहा है। मतलब उसके बावजूद भी कैंडिडेट भी सोनीपत में वो दे दिया जिसका काम ही सट्टे बुक्की का है, जिसका रिकॉर्ड ही क्रिमिनल रिकॉर्ड है, पूरे परिवार का रिकॉर्ड ऐसा है। ऐसे आदमियों को आप कैंडिडेट बना के दे रहे हो, आप क्या दिखाना चाहते हो? कांग्रेस का तो पतन हो ही चुका था, आप सोनीपत के भाग में क्या करना चाहते हो? एक तो रात ने तुमने बेच के सोवेगा, एक वही बात है कोशिक साहब वाली देसी दवाई है भाई, किसी का बुरा नहीं सोच सकता, किसी का नुकसान नहीं कर सकता। तो भाई हमारा धर्म बनता है कि अच्छे आदमी के साथ खड़ा होना, क्योंकि जो समाज अच्छे विचार के साथ खड़ा होता है वो समाज भी ऊंचा ही होता है, और हमारे बच्चों का भविष्य है। ये सारा पैसा ईब कब है, 10 करोड़ 20 करोड़ 40 करोड़ यू कांग्रेस वाला कभी लाना पड़ा है तो मैं ला दूंगा, एक एक वोट मैंने 10,000 का भी खरीदना पड़े तो करूंगा। अरे खरीदेगा तो बड़े पाछे के करेगा तू, उसका कई गुना करके पूरा करेगा, जो समाज का पैसा अपनी गोज में डालेगा। तो भाई ये आपका फैसला है, अच्छे इंसान को चुन के और अपनी सोच को अपने विचार को दुनिया के सामने रखो, चाहे बाहुबली था, चाहे पैसे वाला था, चाहे कुछ था, लेकिन हमने नेक और ईमानदार आदमी को चुना, सच्चे आदमी को चुना। इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।